नमस्कार, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिख पैसेंजर की फ्रिस्किंग करते समय ध्यान में रखने वाली बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिख पैसेंजर की फ्रिस्किंग सामान्य फ्रिस्किंग की तरह सिर से शुरू करें, क्योंकि सिख पैसेंजर के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी धार्मिक आस्था से जुड़ी है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई ना करें। पगड़ी को HHMD से टच हुए बिना 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच दूरी से दाहिने बाएं व ऊपर से चेक करें। इस दौरान ध्यान दें कि आपका HHMD पगड़ी को ना छुए, क्योंकि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए पैसेंजर और फ्रिस्कर के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए HHMD को अतिरिक्त फिटिंग के द्वारा लंबा किया गया है। उससे आपका HHMD पर कंट्रोल थोड़ा अभ्यास चाहता है। पगड़ी की चेकिंग के दौरान पगड़ी से बीप की आवाज आने पर स्क्रीनर सिख पैसेंजर से उसके बारे में पूछ सकता है, किंतु पगड़ी को छूने की या सिख पैसेंजर को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बाकी शरीर की फ्रिस्किंग सामान्य पैसेंजर की तरह सिस्टमेटिक तरीके से करें। इस पूरी प्रक्रिया में कोशिश करें कि HHMD शरीर को ना छुए, साथ ही सुरक्षा से कोई समझौता भी ना हो। कृपाणधारी सिख पैसेंजर को 9 इंच की कृपाण को ले जाने की अनुमति है। उपरोक्त प्रक्रिया पगड़ीधारी महिला व पुरुष दोनों सिख पैसेंजरों के लिए लागू है। धन्यवाद। जय हिंद।